हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज इस्लाम सावर एंड यू आर वाचिंग नाउ आईया संसारी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईया संसारी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी बी एड एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 20 मई को डिक्लेयर किया जा चुका है। व्हाट, किसी भी स्टूडेंट की अभी तक रैंक यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी नहीं की गई है। तो आज की इस वीडियो में हम रैंक के ही बारे में बात करने वाले हैं। सभी छात्र अपनी रैंक को जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं। काफ़ी ज़्यादा छात्र अपनी रैंक को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। तो काफ़ी यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जो स्टूडेंट अभी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि यहाँ पर आपको वीएड एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी सारी जानकारी लगातार समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, बीएड का फाइनल रिज़ल्ट आज। जी हां दोस्तों, अभी तक जो आपका बीएड का रिज़ल्ट था उसमें केवल आपके मार्क्स से शो हो रहे थे, ठीक है, बट वहां पर आपकी जो रैंक थी वो शो नहीं हो पा रही थी। तो आज आपकी जो रैंक है वो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी होने वाली है। तो आप बस कुछ टाइम का ही वेट कीजिए, शाम तक आपकी जो रैंक है वो जारी हो सकती है। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, बीएड प्रवेश परीक्षा आज रात तक जारी हो सकती है रैंकिंग। और इसके साथ साथ मूल्यांकन पर 50 छात्र छात्राओं ने दर्ज कराई थी आपत्तियां। जी हां दोस्तों, जो छात्र अपने मूल्यांकन से असंतुष्ट थे उन्होंने 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आपत्तियां दर्ज कराई हैं, उनका निस्तारण भी किया जा चुका है। आज शाम तक जब आपकी रैंक जारी होगी तब आपको पता लग ही जाएगा कि किस टाइप से आपके जो आपत्तियाँ दर्ज की गई उन्हें किस टाइप से आपका निस्तारण वगैरह किया गया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं। 21 मई को बीएड की राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद मूल्यांकन पर 50 छात्र छात्राओं ने आपत्तियां दर्ज कराई। बीएड प्रवेश परीक्षा के राज्य समन्वय के मुताबिक मूल्यांकन से असहमत परीक्षार्थियों ने ग्रीवांश सेल के नंबर पर 23 मई तक आपत्तियां दर्ज कराने को कहा गया था। प्राप्त आपत्तियों को निस्तारण करने के बाद मंगलवार को रात तक परीक्षार्थियों की रैंकिंग जारी हो सकती है। 1 जून को काउंसलिंग प्रस्तावित है। जी हाँ दोस्तों, 1 जून से आपकी जो काउंसलिंग है वो भी स्टार्ट होने वाली है। उसके बारे में भी इस चैनल पर आपको लगातार सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो जो स्टूडेंट अभी चैनल पर नए हैं, बीएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि यूपी बीएड से रिलेटेड जो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टाइम भी बताया गया है कि कितने टाइम तक आपका जो रैंकिंग है वो फाइनली यहाँ पर जारी हो जाएगी। तो जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रैंकवार रिजल्ट मंगलवार रात जारी होगा। विश्वविद्यालय ने 27 से 28 मई तक रिजल्ट जारी करने का फैसला किया था, पर आपत्तियों के निस्तारण में देरी के कारण ये रिजल्ट अब 28 की रात ही जारी हो पाएगा। दोस्तों, जैसे ही आपकी जो रैंकिंग है वो जारी होती है, मैं यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कि किस टाइप से आपको अपनी जो रैंक है वो चेक करना है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे तुरंत जुड़ जाएँ, ठीक है, ताकि जैसे ही आपकी जो रैंक आती है मैं आपको बता सकूँ कि किस टाइप से आप उसे चेक कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पर आगे देख लेते हैं। पर आपत्तियों के निस्तारण में देरी के कारण यह रिजल्ट अब 28 की रात ही जारी हो पाएगा। मंगलवार को एजेंसी पूरा रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर देगी। जी हाँ दोस्तों, समन्वयक प्रोफेसर बीआर कुकरेती ने बताया कि पूरा रिकॉर्ड एजेंसी को सौंप दिया गया है और 28 की रात 11 बजे तक, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम बताया गया है, 11 बजे तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। इस साल बीएड में 2.2 लाख सीटों के लिए 5.6 लाख अभ्यर्थी मैदान में है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो सीट्स हैं वो 2.2 लाख यहाँ पर बताई गई हैं, यानी कि 2,20,000, और जो कैंडिडेट्स की संख्या यानी कि स्टूडेंट हैं वो 5,60,000 स्टूडेंट यहाँ पर बीएड का एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन 1 जून से काउंसलिंग भी कराना चाहता है, पर रिजल्ट में देरी के कारण काउंसलिंग में भी देरी हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर 1 जून आपकी जो प्रस्तावित डेट है काउंसलिंग के लिए, ठीक है, बट अगर कुछ भी यहाँ पर आगे बढ़ती है काउंसलिंग की डेट तो उसके लिए भी यहाँ पर चैनल पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ जाइए और इसी तरह की और भी वीडियोस को देने के लिए इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको बता दें, जितने भी स्टूडेंट हैं यानी कि 5,60,000 स्टूडेंट हैं, तो सारे स्टूडेंट की काउंसलिंग एक बार में नहीं होगी, ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। थोड़े थोड़े स्टूडेंट करके होगी, जैसे कि यानी कि मान लीजिए 50,000 स्टूडेंट की एक बार में हो गई, फिर उसके बाद 50,000 स्टूडेंट की एक बार में हो गई, इसी टाइप से 50,000 स्टूडेंट की एक बार में होगी, इस टाइप से काउंसलिंग होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर 5,60,000 स्टूडेंट यहाँ पर बताए गए हैं,
तो सारे स्टूडेंट की काउंसलिंग एक बार में नहीं होना है, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। जिन स्टूडेंट की रैंक बहुत अच्छी होगी यानी कि 50,000 तक होगी या फिर 40,000 तक होगी, ठीक है, एक से लेकर 50,000 तक या फिर एक से लेकर 40,000 तक, उनकी जो रैंक है वो सबसे पहले यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें और उसके बाद नेक्स्ट जिनकी रैंक होगी उनकी काउंसलिंग होगी। इस टाइप से आपकी जो काउंसलिंग है उसका शेड्यूल अलग से जारी किया जाएगा, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाएँ ताकि इसी टाइप की और भी वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।